हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है। टैली प्राइम में हम क्या सीखेंगे, क्या खास है, आइए आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर अगर आपको स्टॉक की समरी देखनी है तो गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेन्यू पर रहते हुए आपको कीबोर्ड से, अगर आप टैली प्राइम यूज कर रहे हैं तो प्रेस करना है केवल एस। तो जैसे ही आप एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे स्टॉक समरी आ रही है। ठीक है, अब ये स्टॉक समरी यहाँ पे डेट देखिए, 1 अप्रैल 2021 से 1 जुलाई 2021 तक की ये पूरी रिपोर्ट है। ठीक है, अब एक ही स्टॉक आइटम हमारे पास है और इसकी क्या इसमें स्थिति है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा इनवर्ड और दिखेगा आउटवर्ड, फिर यहाँ दिखेगा क्लोजिंग बैलेंस। अब इन तीनों का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। देखिए, इनवर्ड का मतलब कि कितना आपने परचेस किया था। देखिए, अगर आपकी एक बड़ी शॉप है तो आप कहीं से सामान लेके आते होंगे तो उसकी एंट्री आपको दिखानी पड़ती है अपने आप। ठीक है, उसके बाद फिर सेल करते हैं तो सेल करते समय आप क्या देते हैं, कितने का बेचते हैं, वो सारी डिटेल। ठीक है, कितना आपने स्टॉक आइटम सेल कर दिया, वो सारी डिटेल यहाँ पे दिखेगी। और जब आप परचेस करके लाएंगे अपने यहाँ तो वो सारी डिटेल यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, उसके बाद से क्लोजिंग बैलेंस, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जो दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि आपके पास कुल मिलाकर के 5 और बच गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कुल मिलाकर के कितना बच गया, 5 बच गया। अब देखिए, यहाँ पे 20 था, ये 20। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 जो है सेल हुआ है, ये 15 जो है सेल हुआ है। तो आपके पास कितना बचेगा, 5 ही ना बचेगा। तो ये स्टॉक समरी में जाकर के आप बहुत ही आसानी के साथ सारी चीजें पता कर सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।